ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब जनरल विपिन रावत ने कहा था कि सेना ढाई मोर्चों पर मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन उनके डिप्टी अब कह रहे हैं कि सेना के 68% हथियार, जी हां 68% हथियार पुराने पड़ चुके हैं और इस साल के बजट ने सेना को खासा मायूस किया है। कई प्रोजेक्ट पैसे की कमी से बंद करने पड़ सकते हैं। भारत पाक सरहदों पर बढ़ते युद्ध विराम उल्लंघन के मामले हों या चीन के साथ पैदा नए तनाव, भारतीय सेना की चुनौतियां लगातार बड़ी हो रही हैं। लेकिन सरकार सेना के आधुनिकीकरण के लिए जरूरी बजट तक मुहैया नहीं करा रही। ये बात किसी और ने नहीं, सेना के सह प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद ने संसद के रक्षा मामलों की समिति के सामने कही है। सह थल सेना प्रमुख के मुताबिक हमारे 68% हथियार अब पुराने पड़ चुके हैं, बस 24% हथियार आज के हैं और सिर्फ 8% ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नया कहा जा सकता है। सेना के सह प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस साल के बजट से सेना मायूस है, कई योजनाओं में कटौती करनी पड़ सकती है। हमने मेक इन इंडिया के 25 प्रोजेक्ट तय किए थे, इनमें से कुछ को जबरन बंद करना पड़ सकता है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए 21,338 करोड़ का आवंटन नाकाफी है। मौजूदा 125 योजनाओं और इमरजेंसी खरीद के लिए 29,033 करोड़ का तय भुगतान भी इनसे पूरा नहीं होता। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमारा बजट 902 करोड़ कम पड़ रहा है, कुल कमी 12,296 करोड़ की है। ये नौबत तब है जब जनरल विपिन रावत लगातार चीनी चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं। दे हैव फाइनली अराइव्ड एंड आई डेयर से दे हैव अराइव्ड वेल बिफोर द इंटेंडेड टाइम दैट वी हैड थॉट दे वुड अराइव। व्हाइल दे एंश्योर्ड दैट द इकॉनमी मस्ट राइज, दे डिड नॉट फॉरगेट the rise of the military power. They ensured that while the economy was developing, the military power must rise simultaneously, and that is why they stand strong today in the international world order, challenging the might of the United States of America, which was till now the sole security provider. डोकलाम के बाद सरकार ने वादा किया था कि सेना को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन इस साल का बजट इस लिहाज से सेना से वादा खिलाफी करता दिख रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।